इंदौर शहर में करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पीड़ित जगदीश पालीवाल नामक व्यक्ति ने ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज करवाया था, जिसके बाद अजय सिसोदिया नामक व्यक्ति द्वारा भी जगदीश पालीवाल पर निजी परिवाद लगाकर भोपाल के गोविंदपुरा पुलिस थाने में अपराध दर्ज करवाया, जबकि न्यायालय ने इस मामले में जाँच के आदेश दिए थे। अजय सिसोदिया ने भोपाल न्यायालय में निजी परिवाद लगाकर आरोप लगाया था कि जगदीश पालीवाल और उनके सहयोगी निखिल अग्रवाल द्वारा 30 सितंबर को उनका रास्ता रोककर उन्हें कार में बंद किया गया और धमकाते हुए 12 चेक पर हस्ताक्षर करा लिए और 2 लाख रुपए की मांग की। इस मामले में न्यायालय ने 7 नवंबर को जांच के आदेश दिए, लेकिन पुलिस ने जांच के बजाय अपराध दर्ज कर लिया। इस मामले में फरियादी जगदीश पालीवाल ने पहले ही झूठे अपराध में फंसाने की सूचना एडीजी कार्यालय में की थी। जगदीश पालीवाल का कहना है कि जिस दिन की घटना बताई गई उस दिन वह इंदौर में थे। इसको लेकर निखिल अग्रवाल का कहना है कि उन्हें पहले भी झूठे अपराध में फंसाया गया था, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। आगे भी वह इस मामले में हाईकोर्ट की शरण लेकर झूठ को झूठ साबित करेंगे और दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। मेरे खिलाफ एफआईआर इसलिए हो गई क्योंकि मैंने जगदीश पालीवाल जी, मेरे लॉ कंसल्टेंसी जो मैं चला रहा हूँ उसमें जगदीश पालीवाल जी मेरे यहाँ आए थे और उनके साथ हुए हुए घिनौने कृत्य को देखते हुए मैंने उनके कागजों को देखा और उस किसान के साथ जिस प्रकार का षड्यंत्र करते हुए उसकी ज़मीन को हड़पा था, उसके लिए मैंने आर्थिक प्रकोष्ठ शाखा को उनके द्वारा आवेदन दिलाया गया था। उस आवेदन की जाँच के बाद ऐसे घिनौना षड्यंत्र करने वाले शहर के बड़े रईस, जो कि पत्रकारिता की आड़ में अब ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों के साथ, उन लोगों के खिलाफ आर्थिक प्रकाश शाखा ने धारा 468 और आईडी अधिकारियों के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज करा था। उस प्रकरण के चलते इसको अब अपने प्रकरणों से बचने के लिए किशोर वाधवानी नामक व्यक्ति को और उसके परिवार को, मतलानी गिरीश मतलानी को ब्लैकमेल करके लोगों से बचने की और अपने किए हुए कृत्यों की चीज़ों को हड़पने की आदत है, उसी आदत के चलते इनके द्वारा मुझे पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के चलते मेरे खिलाफ पूर्व में भी झूठे मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनको मैंने सत्य और भगवान को साथ रखकर लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में मैंने उन मुकदमों को झूठा साबित किया। उन मुकदमों को झूठा साबित करने के पश्चात उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग की एफआईआरें दर्ज करवाई। पुलिस ने सोमोटो में भी संज्ञान लेके उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग की एफआईआरें दर्ज की। वैसा ही इसके द्वारा किया गया है और मेरा अंत तक इसके द्वारा भी जो भोपाल में मुझे झूठी एफआईआर में इन्होंने फंसाया है, जो इनके यहाँ सीईओ हैं संपादक अजय सिसोदिया, जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, उनके द्वारा भोपाल में मेरे खिलाफ जो प्रकरण दर्ज कराया है वो भी असत्य है, क्योंकि उस दिन में अवहेलना भी हुई है इस पूरे मामले में। हाँ, क्योंकि न्यायालय ने, मैंने जो कागज निकलवाए, न्यायालय ने आदेश दिया था कि इसमें आवेदन में विस्तृत जांच की जाए, जिसकी कोई जांच नहीं की गई है। उस 156 दिन में इनके द्वारा यह भी बताया गया कि मैंने पुलिस को पूर्व में भी आवेदन दिया था, उसमें भी पुलिस द्वारा कोई जाँच नहीं गई, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। पुलिस अधीक्षक को भी दिया, उसमें भी कोई सूचना नहीं मिली गई, और बिना किसी सूचना के बावजूद न्यायालय ने भी लिखा, उसके बाद भी इनके द्वारा ये प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। ये लोग अपने पैसों के प्रभाव में पुलिस को गुमराह कर देते हैं, न्यायालय को गुमराह कर देते हैं और लोगों को ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज करा करा के आपकी तरफ से क्या कार्रवाई, संपत्तियां हड़प लेते हैं। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक के और किस तरह का हमारे करेंगे? हमारे द्वारा डीजीपी से लेके तो प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको इस चीज़ का आवेदन दिया जाएगा और कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट में भी ब्लैकमेलिंग की एफआईआर करने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए जा रहे हैं और इनको हम इनके अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। उसके पहले हम दम नहीं लेंगे। जिस तरह का कृत्य ये लोग पहले भी पूर्व में लोगों के खिलाफ उसी मजिस्ट्रेट, उसी वकील के थ्रू करा चुके हैं, उसी चीज़ को अंजाम दिया गया है। मुझे पुलिस के अभिरक्षा मिली हुई है, वो अभिरक्षा गार्ड भी उस दिन मेरे साथ इंदौर में स्थित था, पूरा दिन वो मेरे साथ था। मुझे सीआईडी के अफसर भी आके उस दिन मिले हैं और इसी टाइम पीरियड के आसपास वो लोग मुझसे आके मिले हैं। उन्होंने मुझसे मेरी अभिरक्षा को लेके जो जांच चल रही थी, उस जांच जिस ऑफिसर सिसोदिया के हाथ में थी, वो भी उस दिन मुझे मेरे ऑफिस में आके मिले हैं और मेरे पास कई ऐसे सबूत हैं कि उस दिन मैं इंदौर में पूरा दिन मौजूद था, रात को मैं रेडिसन में खाना खाने गया था। यही मेरा
कहना है और ऐसे षड्यंत्रों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के एफआईआर दर्ज करना ही चाहिए और इनका पत्रकारिता से निष्कासित होने के लिए भी मैं कार्रवाई करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।